Good morning again in class 9th physics and the chapter motion. Okay. Now, dear friends, in our previous lecture, we discuss laws of motion, first law, second law, third law, and all about the momentum. Momentum is the product of mass and velocity, or we can say that it is the quantity of motion. Okay. Now, how the motion, how the linear momentum. कैन बी कंजर्व सो नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर्म द कोर ऑफ फिजिक्स एंड आर इजी टूल्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके वन सच प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेटस्ट नाउ स्टडी द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम स्टडी करेंगे जो ये मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है वी हैव स्टडीड द इक्वेशन हमने इक्वेशन पढ़ी है एफ इक्वल टू ये ये कैसे एफ़ इक्वल टू क्या है आपका मास इन टू और मास एक्सलेशन को हम क्या लिखते हैं वी माइनस यू अपॉन टी ये लिखते हैं ठीक है ठीके? तो अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा आपका एम वी माइनस एम यू और अपॉन टी वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये देखिए आप ठीक है तो एफ़ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा हमने मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्सटर्नल इंटू टी ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों हुआ हमने मान लिया कि ये जो टर्म्स है ये क्या है ये एम वी माइनस एम यू इक्वल टू ज़ीरो अगर मान लीजिए फोर्स इन टाइम अगर ज़ीरो हो जाए इसका मतलब क्या हुआ ठीक है देखिए यहाँ पे आप देखो एफ़ एक्सटर्नल इक्वल टू ये हमारे पास में ये वाला अगर हम फोर्स इन टाइम ज़ीरो कर दें फोर्स इंटू टाइम क्या कर दें जीरो कर दें ठीक है तो हमारे पास में एम वी माइनस एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मतलब एम वी इक्वल टू एम यू द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल मोमेंटम है एम वी और इनिशियल मोमेंटम क्या है एम यू दोनों बराबर हो जाएंगे चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो चेंज इन मोमेंटम इज जीरो दैट इज द मोमेंटम इज कंजर्व्ड नाउ एफ एक्सटर्नल इंटू टी इक्वल टू जीरो वेन एफ एक्सटर्नल इज जीरो दस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मे वी स्ट एज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज़ और सिस्टम इज ज़ीरो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लीजिए ज़ीरो हो जाए ठीक है एक्सटर्नल फोर्स अगर क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए किसी भी सिस्टम पर तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट होगा या कंजर्व होगा नाउ व्हाट इज द सिस्टम हम आप सिस्टम क्या है अ सिस्टम इज़ अ बॉडी और अ सेट ऑफ बॉडीज अंडर कंसिड्रेशन हम मान लें कि सिस्टम जो है वो क्या है सेट ऑफ बॉडी या कुछ बॉडी है बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट द चॉइस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग आप कुछ भी सोच सकते हैं यू मे टेक ईच बॉडी एज अ सेपरेट सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज एज़ वन सिस्टम फॉर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जनरली स्पीकिंग इट इज़ इजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफ़ यू टेक टू बॉडीज़ इन सिस्टम एज कम्पेयर टू द केस वेन ईच बॉडी इज टेकन एज सेपरेट सिस्टम हम इनिशियली हम ये जूम कर लें कि हर एक बॉडी एक सिस्टम है जैसे मान लें कोई कार है कोई ट्रक है कोई बस है ये सारा क्या है एक सिस्टम है मोटरसाइकिल ये सब एक सिस्टम हो गया कॉशन बिफोर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ensure दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग on सिस्टम इज़ जीरो आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर क्या होगा ज़ीरो होगा अ सिस्टम ऑन विच द नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे जीरो रहे उसको हम क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं इफ़ एक्सटर्नल अनबैलेंसड फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड इफ एक्सटर्नल अनबेलेंस्ड फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन सिस्टम अगर मान लीजिए अनबैलेंसड फोर्सेज अगर उसके ऊपर लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है ये याद रखना है आपको नाव कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज अब हमने मोमेंटम पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कॉलिजन कॉलीजन मतलब क्या होता है टकराना ठीक है दो बॉडी का आपस में टकराना जिसको हम क्या बोलते हैं कॉलीजन नाव लेटेस्ट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन डिटेल्स एन एग्जाम्पल ऑफ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू बॉडीज देखिए एक ए बॉडी है जिसका मास कितना है एम ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू ए दूसरी बॉडी बी इसका मास एम बी और वेलोसिटी यू बी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ये जब टकराए नहीं थे ठीक है जब ये आपस में टकराए ठीक है थेके? तो क्या करेंगे एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे जैसे टकराएंगे ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा ये बी वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस ए वाले पे फोर्स लगाएगा मतलब हम क्या बोलेंगे एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर जो है ये ए वाला इस बी वाले पे फोर्स लगाएगा मतलब हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा ये फिर अलग अलग हो जाएंगे टकराने के बाद में फिर क्या होंगे अलग अलग होंगे तो हो सकता है कि इनका मास तो वही रहेगा एम बी तो वही है लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ये बी ए हो गया और ये क्या हो गया वी बी हो गया ठीक है ये हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज टू बॉल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलैस ऑरिजेंटल सरफेस विथ वेलासिटीज यू ए एंड यू बी लेट यू एज़ ग्रेटर देन यू बी हम ये मान के चलें कि इसकी वेलासिटी से ज़्यादा है तभी टकराएगा आके ओके द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स इज़ पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी ठीक है सिंस यू एस ग्रेटर देन यू बी द बॉल कोलाइड अब बॉल क्या होगी कोलाइड होगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन एफ ए बी इज अ फोर्स ऑन ए डू टू बी एंड एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी एता है आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड बी आर वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स इज वॉट एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी Now the force on A due to B is responsible for the rate of change of their momentum, ठीक है? Force on A due to B is responsible for the rate of change of linear momentum, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर जो force लगा रहे हैं वही क्या होगा responsible होगा, तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया F A B जो है वो क्या है? F A B mass into m formula हमारे पास में क्या है? m v m u upon t ठीक है तो एम ई एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए हमने ए के लिए हम ले रहे हैं ठीक है तो एम ए बाहर ले लिया यू ए माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी वे टी इज अ टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ड्यू टू ए उस तरीके से हम एफ बी के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे एम ए वी ए माइनस एम ए वी ए अपॉन टी ठीक है या हम उसको इस तरीके से लिख लें ये एफ बी ये एफ ए के लिए लिखा था एफ बी के लिए क्या हो जाएगा एम बी वी बी कॉमन ले लिया माइनस यू बी यहाँ पर एक्चुअल में क्या आएगा ये ये यहाँ पे आएगा एम बी आएगा आपका ये गलत लिख दिया यहाँ पे ये आएगा एफ बी एक्ल टू क्या होगा एम बी वी बी माइनस एम बी और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ये इसको चेंज करेंगे आप है ना ये क्या है एम बी वी बी माइनस एम बी और ये यू बी अपॉन टी अब इसमें एम बी कॉमन ले लिया तो वी बी माइनस यू बी हो गया अब आपको मालूम है ये कंडीशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से तो दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए जब दोनों को बराबर करेंगे ठीक है दोनों को आपने बराबर कर दिया ठीक है अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए और ये माइनस एम बी यू बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी तो टी कट जाएगा आपका ठीक है दोनों अपॉन में तो कट जाएंगे हो जाएगा अब इसमें आप क्या करेंगे एम ए वी ए और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया एम बी वी बी इक्वल टू इसको इधर लाएंगे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी मतलब ये क्या हुआ ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम दोनों बराबर है इसका मतलब ये कि टोटल मोमेंटम जो है वो क्या है कंजर्व है पूरे सिस्टम का ठीक है ये आपको याद रखना है ओके एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिने मोमेंटम द केस ऑफ रॉकेट पॉपुलेशन ठीक है जब रॉकेट पॉपुलेशन रॉकेट को लॉन्च होता है एज वी सी इन फिगर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल इज़ जीरो आफ्टर फायरिंग द मोमेंटम शुड रिमेन स्टिल रिमेन जीरो इफ द अर्थ ग्रेविटेशन पोल एंड एयर डिस्टेंस इज निग्लेक्टेड द रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस ठीक है इनिशियल मोमेंटम जो था वो रॉकेट का क्या था ज़ीरो था ठीक है रॉकेट और फ्यूल सिस्टम का क्या था जीरो था आफ्टर फायरिंग जब फायर हुआ मोमेंटम शुड स्टिल रिमेन ज़ीरो इफ द अर्थ ग्रेविटेशन पोल एंड एयर एडिस्टेंस इज निगलेक्टेड द रॉकेट इज़ मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस ये बिफोर फायरिंग फायरिंग से पहले यह था इस तरीके से रॉकेट एट रेस्ट जब रॉकेट मूविंग उसमें आया मूविंग कंडीशन में आया तो इस तरीके से क्या करेगा आगे मूव करेगा ठीक ये सिस्टम होता है उसका पूरा सिंस द मोमेंटम ऑफ एगजोस्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स द मोमेंटम ऑफ रॉकेट शुड बी वर्टिकली अपवर्ड सो दैट टोटल मोमेंटम रिमेंस जीरो द मोमेंटम गेंड बाय रॉकेट इट. ओके. प्रोफे ना है आपका एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन रिकॉइल ऑफ गन कंसिडर द फिगर गिवन बिलो शोज अ गन विथ अ बुलेट एट रेस्ट इज द कंडीशन आफ्टर गन इज फायर्ड जब गोली हमने नहीं चलाई थी तब उस समय ये कंडीशन और जब गोली चलाने के बाद में ये कंडीशन ठीक है तो यहाँ पर आप देखो अ लोडेड गन एट रेस इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट तो मोमेंटम ऑफ गन m इन टू जीरो प्लस एम इन टू क्योंकि दोनों जो मोमेंट गन और गन uh, और बुलेट दोनों अपने जगह पे रुकी हुई थी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो थी ठीक है मोमेंटम फायर बुलेट फायर फ्रॉम द गन जब बुलेट फायर्ड होगी तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट तो मोमेंटम ऑफ गन गन पीछे की तरफ आएगी मतलब माइनस एम वी और बुलेट आगे तरफ जाएगी एम वी ठीक है सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर नहीं लग रहा है तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होगा ठीक है तो एम वी प्लस एम वी स्मॉल वी इक्वल टू क्या होगा जीरो ये तो ऑलरेडी जीरो है ठीक है या हम ये बोल सकते हैं माइनस एम कैपिटल एम वी इक्वल टू एम वी या वी इक्वल टू एम वी अपॉन वी ये फॉर्मूला यूज होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल में दैट इज द गन रिकॉयल ये जो वेलोसिटी है किसकी है गन रिकॉयल मतलब ये जो गन पीछे की तरफ आएगी आप गोली छूटने के बाद में ठीक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एप्लीकेशन है आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में ओके